देखिए, रात के बचे हुए चावल से हमने बहुत ही सुपर और टेस्टी उत्तपम यहाँ पे बनाए हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है। और रात के जो हमारे चावल होते हैं वो भी वेस्ट नहीं होते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से रात के बचे हुए चावल से उत्तपम अपने घर में ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, हमारे फासुमा किचन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रात के बचे हुए चावल से बहुत ही सुपर टेस्टी उत्तपम, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है और आप इसे बहुत ही जल्दी झटपट नाश्ते में बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए देखिए हमने यहाँ पर क्या क्या लिया है। तो हमने यहाँ पर लिया है रात के बचे हुए चावल। ये रात के हमारे बचे हुए अच्छे से सॉफ्ट वाले चावल है। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, थोड़ी सी हमने हरी मिर्च एकदम बारीक कट करके ले ली है, और ये हमने हरा धनिया कट करके ले लिया है, एक कांदा बारीक कटा हुआ, और ये हमने लिया है थोड़ा सा चावल का आटा, जो कि इसको बहुत ही अच्छा सा और टेस्टी सा बनाएगा। और ये हमने लिया है दही आधा कटोरी, जिससे कि अच्छा सा खट्टा सा इसका टेस्ट आएगा। और ये हमने लिया है एक छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमने मिक्सर का बर्तन ले लिया है, तो हम ये चावल उठाकर मिक्सर के बर्तन में डाल देंगे। सारे चावल को हम एक साथ ही डाल देंगे। चावल हमने सारे इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसका अच्छा सा एक बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर चावल को अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लिया है पीसकर। अब हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, ये पीसे हुए चावल का पेस्ट हम इसमें डाल देते हैं। हमने सारा पेस्ट इसमें निकाल लिया है। अब हम इसमें चावल का आटा मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका बैटर बना लेंगे। उत्तपम का जो बैटर होता है वो ज़्यादा पतला नहीं होता है, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पतला नहीं करना है, थोड़ा सा हल्का सा गाढ़ा ही रखना है। तो इसे हम अच्छे से जितना पानी हमें इसमें लगना चाहिए उतना डाल के अच्छा सा इसका एक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा उत्तपम बनाने वाला बैटर यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे उत्तपम बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन कर लिया है और हम इस पर फ्राई पैन रख देंगे। पैन को हम गर्म होने देंगे। तो देखिए, अब हमारा पैन जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम तेल डालेंगे। तेल को हम इस तरीके से अच्छे से फैला लेंगे और तेल को अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तो देखिए, तेल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम इस तरीके से बैटर उठा लेते हैं उत्तपम का, और इसमें हम चम्मच की मदद से इसे डाल देते हैं और इस तरीके से हम इसे थोड़ा सा फैला लेंगे। बस हमें इसी तरीके का इसी साइज़ का बनाना है और ज़्यादा हम इसे बड़ा नहीं करेंगे। थोड़ा सा तेल को इस तरीके से कर लेंगे कि उत्तपम के नीचे साइड लग जाए अच्छे से। गैस का फ्लेम हमने अब मीडियम कर लिया है। अब हम इस पर मसाले डालेंगे। तो हम इस पर डालेंगे कटा हुआ कांदा, थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ, हरी मिर्च हम थोड़ी सी डाल देंगे कटी हुई, साथ ही हम डाल देंगे थोड़े से टमाटर कटे हुए, सूखे मसाले भी अब इसमें डाल देंगे। तो हल्दी पाउडर हम डालेंगे थोड़ी सी, इससे अच्छा सा कलर आता है। लाल मिर्च पाउडर थोड़ा, और लास्ट में हम डालेंगे नमक, जो कि हम टेस्ट के अनुसार डालेंगे। थोड़ा सा इस तरीके से तेल को कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और 5 मिनट के लिए हम मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पका लेंगे। ये 5 मिनट हो चुके हैं, हम ढक्कन को हटा लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा उत्तपम है वो एक ओर से अच्छे से पक चुका है। तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरीके से उठाकर
पलट देते हैं तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये पीछे से सीख चुका है। हल्दी की वजह से इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो इसे हम दूसरी ओर से भी इसी तरीके से 5 मिनट पका लेंगे अच्छे से, और इसे हम ढकेंगे नहीं अभी। तो देखिए अब हम इसे पलट लेंगे दूसरी ओर से भी, 5 मिनट हमारे हो चुके हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सा ये पक चुका है। ये ऊपर से तो बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि जब हम इसे ढक कर रखते हैं तो ये भाप में ही आगे से पक जाता है। तो इसे अब हम 2 मिनट के लिए इसी तरीके से रहने देंगे। 2 मिनट हमारे हो चुके हैं, अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे अब हम अच्छे से हल्के हाथों से उठाकर इस तरीके से एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा उत्तपम यहाँ पे बन के रेडी है। तो हम दूसरा जो हमारा बैटर बचा है उससे भी इसी तरीके से उत्तपम बना लेंगे। तो देखिए अब दूसरा उत्तपम भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसे भी हम हल्के हाथों से उठा लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। हल्दी की वजह से इसका जो कलर है वो अच्छा सा बहुत ही बढ़िया सा आ चुका है। तो इसे अब हम सर्व करते हैं। देखिए रात के बचे हुए चावल से हमने बहुत ही सुपर और टेस्टी उत्तपम यहाँ पे बनाए हैं। ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही झटपट बनने वाला नाश्ता है, और रात के जो हमारे चावल होते हैं वो भी वेस्ट नहीं होते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से रात के बचे हुए चावल से उत्तपम अपने घर में ज़रूर बनाइए, खुद भी खाइए और पूरे परिवार को भी खिलाइए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे फासुमा किचन चैनल को ज़रूर ज़रूर लाइक कीजिए। थैंक यू।